ये देखें जी रश कितना है और अच्छा भला रश है यहाँ पर, क्योंकि आज जो है वो बिरयानी है यहाँ पर। माशाल्लाह खाना अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन बात यह है कि रश काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं रश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, और इस टाइम जोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका है, और जोहर की नमाज के बाद ये खाने का टाइम है, और बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। ये जी आज चावल बने तो उसकी लाइन लगी, लाइन लगी। ये जहाँ से लिफ्ट स्टार्ट होती है वहाँ से लाइन चल रही है, और मेरा एक बंदा है जो कि चावल की लाइन में लगा हुआ है। जिसमान भाई 3 प्लेटें ले लेंगी आपने, ठीक है? कोई लाइन अभी तक चल रही है, और लाइन भी जिसे कहते हैं ना कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी हुई है। मैनेजमेंट असल में ना हजाज कराम काफ़ी ज़्यादा हैं, और बस ये है कि जैसे हम हरम शरीफ से नमाज़ पढ़ के आए हैं ज़ोर की, उसके बाद ये काफ़ी बसेस में हम आते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी रश हो जाता है, तो जिसकी वजह से ना हमें फिर लाइन में लगाना पड़ता है। और लाइन भी देखिए आप, वो पीछे लिफ्ट से चलती आ रही लाइन। आखिरकार हमारा बंदा आ गया। बहुत रश है, बहुत रश। जी उस्मान भाई ले लें 3 प्लेटें लेने आप, एक 5000 के लिए। चलो दो ले लो, चले जी आ जाए जी। पानी उठा लिया आप? हैं पानी, पानी उठा लो। बंदा है ना, ले जी। आखिरकार ये मुश्किल टास्क पूरा हुआ, और ये आप रश चेक करें, रश तीन साथियों के लिए है, एक के लिए लाया करो, कोई मसला नहीं है। हम अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह की इलाज पे रहना है, जिधर भी खा सकते हो, यहाँ मना नहीं है। ले जी मक्का मुकरमा हरम शरीफ, और ये नीचे हमने आखिरकार क्यों मान ली। ये नमाज के बाद बहुत मुश्किल टास्क होता है जो हमने वाकई बड़ा मुश्किल से हमने एक्वायर की है, और नो डाउट ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और जिस दिन ये पता नहीं ये बन जाए ना, पता नहीं चिकन और ये चावल बन जाए, तो बाही वाला रश होता, तो बाही वाला रश होता। खैर नो डाउट वैसे मज़े के होते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर देंगे। अच्छा जी ये जो चटनी है ना, ये इनकी बड़ी मज़े की चटनी है, बड़ी स्पाइसी है, लेकिन चावल जो है ना बड़े फीके फीके से हैं। ठीक है, अच्छा चावल ठीक है, लेकिन मैं लास्ट टाइम मैंने खाया था, पता क्या कहते हैं, रस बुखारी कहते हैं ना, रस बुखारी कहते हैं इसको, और ये वैसे हैं टेस्टी नो डाउट।
काफ़ी स्पाइसी है, रायते बहुत स्पाइसी है, वो चावल नॉर्मल है। अभी हम असर की नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो वहाँ इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बेड है, यहाँ पर 5 बंदों को अकोमोडेट किया गया है, ठीक है। और इस टाइम बेड की जो कंडीशन है वो अभी आके रूम सर्विस वाला आएगा, वो आके ठीक करेगा। खैर, तो ये हमारा बाहर का व्यू है, जो कि यहाँ से हमें हरम शरीफ नज़र नहीं आता, लेकिन सारे पहाड़ी पहाड़ हैं साइड पे। और जी, वो नमाज़ पढ़ने निकल रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। खैर, तो ये मेरा बेड है और ये मेरी टोपी, मैं टोपी पहन लूँ यार। रूम अच्छा है बट 5 बंदों के लिए उन्होंने, वैसे जगह कम है काफ़ी, 5 बंदों के लिए जगह काफ़ी कम है, अदरवाइज रूम ठीक है। चलेंगे आगे, चलेंगे। और ये बाहर की साइड है और ये यहाँ पर एग्जिट, अगर मतलब आग शायद लग जाए तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं इन केस ऑफ फायर। और कपड़े धोने की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। मेरी बेटी है, मेरी बी है, मैं दूसरा बेटी बनाया, आज भी वो मेरी बेटी, आज भी वो ऐसे से दुआ कर रही है। और ये हमारा दरवाजे के ऊपर नाम लिखा हुआ है। एक शादी है और ये जो है 6 लिफ्ट यहाँ पर हैं और हमें नीचे जाना है। हाँ भाई, जगह है, ओके, जाओ जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। यहाँ पर काफ़ी काम, सर्विस रूम सर्विस वाले जो हैं काफ़ी बंगाली यहाँ पर ना, तो यहाँ पर काफ़ी लोग काम करते हैं यहाँ पर। ये जी ग्राउंड फ्लोर है और ये बसेज हैं जो हमें लेके जाती हैं हरम शरीफ, वो यहाँ पर बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश। आज है रश काफ़ी ज़्यादा है। आज हमने 2 बिरयानी की प्लेटें खाई हैं और हमारी टंकी फुल हो गई है। इस वक्त जो अंसा है ना, असल भाई जा रहा है वहाँ करने के लिए, वहाँ करने हरम शरीफ। तो वहाँ से पुण्य सर किया आपने। यार रश देखे यार, वो देखे ना रश, तो देखे 3 बसें पहले लोड हैं और लोग देखे रश कितना, यहाँ पर कितना रश है। यहाँ तो आज फौरन हाँ मैं आ रहा हूँ। बस जो जो दिन करीब आ रहे हैं आज के ना, काफ़ी रश बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। और एक तो मैं उन्होंने होटल काफ़ी दूर दिया है, काफ़ी हरम शरीफ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है हमारे होटल से हरम शरीफ, तो यहाँ पर मैं 2 बसेस चेंज करके जाना पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन
मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि पत्नी में कैसे बस में जो घुसूंगा जो रश देख रहा हूँ मैं। एक बस हमने चेंज की है और अब हम दूसरी बस में बैठेंगे और जो हमें वो हमें लेके जाएगी हमें हरम शरीफ तक। मैं होटल काफ़ी दूर दिया मसला से इतना ही है बस मैंने सारे पास्तने को दूर दिया देखे कितना रश है यहाँ पर। पर अब इसने सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर के बाद हरम शरीफ आ जाएगा और यहाँ इतना रश होता है ना होपफुली जगह मिल जाएगी मुझे लेकिन खड़े होकर जाना पड़ेगा। नमाज का टाइम है माशाल्लाह धड़ा धड़ जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक बात है कि फ्रेश ठंडे हैं आप अभी बता कि ये गर्मी जितनी गर्मी है लेकिन फ्रेश ठंडे हैं इस फ्रेश पे भी नम सारे आपके नमाज भी पढ़ी जा सकती है फ्रेश ठंडे हैं फ्रेश गर्म नहीं है बल पता सूरज जो है वो फुल गर्मी है और ये है कबूतर माशाल्लाह बात नहीं शुरू करता हूँ।
आखिरकार हम आ गए हैं हरम शरीफ से, असर के टाइम गए थे और हम अब आए हैं और अब आके कोफ्ते वाला खाना खा रहे हैं क्योंकि हमारा होटल काफ़ी दूर है। इस वजह से हमें तीन नमाजें इकट्ठी पढ़नी पड़ती हैं। ये जी है कश्मीरी चाय, वन ऑफ द बेस्ट कश्मीरी चाय भाई। कश्मीरी चाय है लिटरली कश्मीरी चाय है। हाँ आम चाय है ना कर एक नहीं नहीं कश्मीरी यार कश्मीरी चाय है। वैसे बहुत मजे की चाय है। पूरा कप रहे हैं।